हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का हमारा न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से है। अ स्टूडेंट परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। द स्टूडेंट थ्रोज अ स्टील बॉल अप विथ इनिशियल वेलोसिटी यू एंड मेजर द हाइट एच ट्रेवल्ड बाय इट एट डिफरेंट टाइम्स। द ग्राफ द स्टूडेंट शुड प्लॉट ऑन द ग्राफ पेपर टू रेडीली ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ जी इज। देखो, एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह से यहाँ पे कि एक स्टूडेंट है जिसने एक स्टील बॉल वर्टिकली अपवर्ड फेंका है विद सम इनिशियल वेलोसिटी यू, और जितना भी वर्टिकल डिस्टेंस ये बॉल ट्रैवल करता है उसकी हाइट यहाँ पे दी है h। ओके, तो डिफरेंट टाइम में उस बॉल ने कितनी हाइट ट्रैवल की है वो हाइट यहाँ पे मेजर की गई है। और फाइनल जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि हमें यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना है सो दैट वी कैन रेडिली ऑप्टेन द वैल्यू ऑफ जी। जी की वैल्यू हमें यहाँ पे ऑप्टेन करनी है, तो इसके लिए हम लोग इक्वेशन यूज करेंगे एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, यहाँ पे जो हाइट अटेंड की गई है वो एच है। समझो यहाँ तक ये बॉल गया है तो एच इतनी हाइट अटेंड होगी। इनिशियल वेलोसिटी जो है वो यू है यहाँ पे और टाइम टी, और प्लस यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हाफ माइनस ऑफ जी टी स्क्वायर। माइनस क्यों? क्योंकि जी की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा ही डाउनवर्ड होती है, और एच ये प्लस रहेगा क्योंकि पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसे हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है कुछ इस तरह से, राइट। सो एच इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये इक्वेशन बनेगा। अब देखो, इस इक्वेशन का यूज करके अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला होता है। तो पैराबोलिक ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, समझो हम लोग कुछ इस तरह से अगर ड्रॉ करते हैं तो ये पैराबोलिक ग्राफ होगा, और हमें ये फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ जी बाय यूजिंग ग्राफ। इनडायरेक्टली मुझे जी की वैल्यू फाइंड करनी है बाय यूजिंग स्लोप। स्लोप यहां पे यूज करना है मुझे, तो मुझे ग्राफ कुछ इस तरह से ड्रॉ करना है कि मुझे ग्राफ का स्लोप जो मिले वो जी की वैल्यू हो। और अगर इस पैराबोलिक ग्राफ का अगर मैं स्लोप फाइंड करता हूं तो हर जगह पे यहां पे स्लोप वैरी होगा, इनडायरेक्टली जी की वैल्यू जो है वो वैरी होगी। और हमें पता है कि अगर एक ही पर्टिकुलर पॉइंट से अगर बॉल को थ्रो किया गया है तो जी वैरी नहीं होगा, जी विल रिमेंस कांस्टेंट। और इसलिए ये जो इक्वेशन है इसकी मदद से हम लोग ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते। ओके, क्लियर है। अब जी की वैल्यू हमें कांस्टेंट रखनी है, मतलब मुझे स्लोप की वैल्यू कांस्टेंट चाहिए। इसका मतलब हमें पहले यह समझना चाहिए कि स्लोप की वैल्यू कांस्टेंट कहां पे होती है। स्लोप की वैल्यू कांस्टेंट होती है स्ट्रेट लाइन के लिए। अगर ग्राफ में ड्रॉ करता हूं और उस ग्राफ में अगर मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूं तो किसी भी टाइम इंटरवल के लिए ये स्लोप जो है वो कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। और अगर स्लोप कांस्टेंट है इसका मतलब जी की वैल्यू हमें कांस्टेंट मिलेगी जो करेक्ट है। तो फिर इस केस में हम लोग क्या करते, देखो मैं यहां पर लिखता हूं डिवाइड बाय टी, तो टी से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा एच बाय टी इज इक्वल्स टू यू माइनस हाफ जी टी। ओके, इस तरह से ही हमें ग्राफ मिलेगा, सॉरी ये इक्वेशन मिलेगा। अब इस केस में अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं तो देखो ये कंपैरिजन कैसे होगा। पहले तो मैं इसको एक बार फिर से लिख लूंगा, दैट इज माइनस ऑफ जी बाय टू टी प्लस यू। सो कंपेयर विथ, यहां पे हम लोग इसको कंपेयर करने वाले हैं वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के साथ। वाई मतलब वाई कोऑर्डिनेट, एम इज अ स्लोप। अब स्लोप देखो यहां पे आप लोग देख सकते हो स्लोप यहां पे नेगेटिव है क्योंकि इस केस में जी की वैल्यू डाउनवर्ड होती है, इसलिए नेगेटिव स्लोप हमें मिल रहा है। और सी इज अ वाई इंटरसेप्ट, तो इसका मतलब ये होता है कि इस केस में देखो मैं रेड कलर से शो करता हूं, ये हमारा हो जाएगा वाई कोऑर्डिनेट और ये हो जाएगा हमारा एक्स कोऑर्डिनेट। इसका मतलब क्या, अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है तो मुझे एच टी वर्सेस टी ग्राफ यहां पे ड्रॉ करना जरूरी हो जाता है। ओके, तो स्टूडेंट शुड प्लॉट द ग्राफ दैट इज एच बाय टी वर्सेस टी सो दैट ही कैन गेट द स्लोप विच इज इक्वल्स टू जी बाय टू। और ये जो स्लोप मिलेगा हमें, स्लोप जो रहेगा जी बाय टू, इसको अगर हम लोग टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें हमेशा ही जी की एक कॉन्स्टेंट और फिक्स्ड वैल्यू यहां पे मिलेगी। ओके, क्लियर है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर यहां पे डी करेक्ट हो जाता है।